गाइस, अगर आप 2023 में एक ऐसे कंट्री में जाना चाहते हो जहां पर आपको सैलरी भी 3 से 4 लाख रुपए मिल जाए और जिस कंट्री का वीजा रेशियो सक्सेस रेशियो 98% हो, यानी कि रिफ्यूजल होने का एकदम ना के बराबर चांस हो, और यहां पर दोस्तों एकदम फ्री में आपको ये वीजा मिल जाए, एजुकेशन भी आपका 7-8 क्लास है तो भी चल जाए। जी हाँ गाइज, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिथुआनिया के वर्क वीजा के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा वीजा है जो कि आजकल बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई इस वर्क वीजा के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि आपके साथ में काफी लोगों ने शेयर नहीं किए होंगे, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अगर आप लिथुआनिया जाना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप इस वर्क वीजा को कैसे ले सकते हो और कैसे आप मूव हो सकते हो इंडिया से लिथुआनिया विदाउट एनी अजेंडा। सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं लिथुआनिया के बारे में। गाइस, एक छोटा सा कंट्री है लिथुआनिया और इसके 4-5 नेबर कंट्रीज है जैसे कि पोलैंड, रशिया, बेलारूस, स्वीडन और लातविया। 4-5 कंट्रीज के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करता। और यहाँ की करेंसी की बात की है तो यहाँ पर चलती है यूरो, और 1 यूरो का अगर आप देखें इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 88 इंडियन रुपीज का कॉस्ट है। तो दोस्तों ये लिथुआनिया का वर्क वीजा 2023 में बहुत सारे लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं और इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रेंड में चलने का एक ही रीजन है, एक तो यहाँ पर कोई भी एजुकेशन लोग ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, एक्सपीरियंस की भी कोई जरूरत नहीं, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, प्लस दोस्तों एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है इस वर्क वीजा को ट्रेंड में आने का वो ये है दोस्तों, जैसे ही आप इंडिया से जाओगे लिथुआनिया तो वहां की गवर्नमेंट आपको देने वाली है 3,444 यूरो। जी दोस्तों, आप भी शौक हो गए इसको सुनकर, लेकिन वहां पर दोस्तों काफी ज्यादा शॉर्टेज है वर्कर की। और गाइस, ये जो वर्क वीजा सिर्फ नॉन ईयू पर्सन के लिए है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन के बंदे वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो फॉरेन कंट्रीज से जो लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी, कतर, जापान, थाईलैंड, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहां से आप इस वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे, कोई बिना किसी एजेंट के। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आपको ये वर्क वीजा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने वाली है और इस वर्क वीजा का कॉस्ट क्या है, कैसे आपको वर्क वीजा मिलेगा इंडिया से बैठे बैठे। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ अगर आप लिथुआनिया के वर्क परमिट पर जाना चाहते हो तो यहाँ पर मोस्ट डिमांडिंग जॉब कौन कौन सी है और इसका वीजा कॉस्ट क्या है। सबसे पहले बात करते हैं लिथुआनिया के वर्क वीजा प्रोसेस के बारे में और कितना इसका सक्सेस रेशियो है। गाइस, इस टाइम पर अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो लिथुआनिया का वर्क वीजा तो 98% यहाँ पर सक्सेस रेशियो है, 99 आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है रिफ्यूज होने का एकदम ना के बराबर चांस है। क्योंकि गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज है वर्कर की। तो गाइस, काफी छोटा सा कंट्री है, यहाँ पर अगर आपको काम मिलता है तो लगभग 3 से लेकर 4 हजार आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है। तो अब सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको यहां पर कौन-कौन सी मोस्ट डिमांडिंग जॉब है जिनके लिए आप राइट नाउ अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, कंस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा यहां पर मोस्ट डिमांडिंग जॉब है इस टाइम पर। अगर कंस्ट्रक्शन में आप कोई भी काम जानते हो, लाइक आप रिगर हो, कारपेंटर हो, या फिर आप वेल्डर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, कोई भी आपको काम आता है एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर, वेल्डर, तो गाइस आपको यहां पर जॉब मिलने वाला है। रिगर के लिए भी यहां पर जॉब है, रूफर्स के लिए यहां पर जॉब है, अगर आप टाइल फिटर हो तो भी यहाँ पर आपके लिए जॉब है। इस तरह की जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जॉब्स है वो इस टाइम पर अवेलेबल है लिथुआनिया के अंदर, और सक्सेस रेशियो 99%। दूसरा दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग जॉब है यहाँ पर आईटी फील्ड में, आईटी सेक्टर में। दोस्तों अगर आप कोई भी काम का एक्सपीरियंस आपको है आईटी से रिलेटेड तो डायरेक्टली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और मैं यहाँ पर कहूंगा 100% आपको वीजा मिलने वाला। यहाँ पर मैं 99 नहीं बोल रहा, 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है आईटी पर्सन की यहाँ पर। थर्ड दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं रेस्टोरेंट एंड होटल में, बहुत ज्यादा यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पर जॉब है, वेटर वेटरेस की इस टाइम पर वैकेंसी है, हाउसकीपर क्लीनर की यहाँ पर जॉब्स है, कुक के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप ऐसे कैशियर काम करना चाहते हो लिथुआनिया के अंदर तो भी यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्रीन पर लेकर कैसे आपको ये अप्लाई करनी है जॉब्स, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जॉब्स बता दी, अब बात करते हैं वीज़ा कॉस्ट, इसका वीज़ा कॉस्ट क्या है और एजुकेशन यहाँ पर कितना चाहिए। तो एजुकेशन यहाँ पर 7-8 क्लास भी चल जाएगा। वीजा कॉस्ट की बात की जाए तो 120 यूरो आपको पे करना पड़ेगा जब आपका वर्क परमिट आएगा, यानी कि परमिशन, आपको एक लेटर मिलेगा आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। तो सबसे पहले $120 आपको पे करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है, अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पर पे कर रहा है तो आपको जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करोगे तब आपको 140 यूरो अलग से पे करना पड़ेगा। साथ में दोस्तों आपको मेडिकल का कॉस्ट 5-6 हजार जो भी रहेगा वो आपको पे करना है। पीसीसी के यहाँ पर इन लोगों ने रिक्वायरमेंट नहीं की है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर एमबीसी में सबमिट करने हैं, और 140 आपको यूरो यहाँ पर पे करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, फ्लाइट आपको खुद से बुक करनी पड़ेगी, इसमें कंपनी आपको कुछ भी नहीं देने वाली। लेकिन यहाँ पर मैंने एक जिक्र किया था पहले कि 3,444 यूरो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो आगे बताऊंगा उसका क्या यूज़ आपको होने वाला है। तो फ्लाइट आपको खुद से बुक करना पड़ेगा, प्लस अकोमोडेशन जब आप जाएंगे वहाँ पर काम करोगे
तो दोस्तों वहां पर आपको अकोमोडेशन भी खुद से ही ढूंढनी पड़ेगी, और हो सकता है जो फूड है वो भी आपको खुद से ही बनाकर वहां पर खाना पड़े। ये कुछ खर्चा आपका होने वाला है। तो आप मान लीजिए अप्रोक्स आपका 1 लाख या फिर 1,50,000 तक आपका यहाँ पर खर्च हो जाएगा। लेकिन इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो के टाइटल में पहले ही लिख दिया कि ये एकदम फ्री वीज़ा है। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा है, इसका रीज़न आप सुन लीजिए। 3,444 यूरो आपको देगी वहाँ की गवर्नमेंट जब आप इंडिया से जाओगे लिथुआनिया। तो वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पर आपको 3,444 यूरो दिया जाएगा, लगभग 3,30,000 रुपये आपको मिलेगा। तो इसमें आपके जितने भी आपने खर्चे किए थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो गाइस इसलिए मैंने यहाँ पर बोला कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा है, इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं होने वाला, जितने आप खर्च करोगे सब आपको वापस मिलने वाला। और इस वीज़ा का जो रेशियो है गाइस 99% सक्सेस होने वाला, कोई यहाँ पर रिफ्यूज का चांस नहीं है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वर्क वीज़ा आपको कैसे मिलेगा और उसके लिए आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना पड़ेगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ जॉब पोर्टल है लिथुआनिया के, तो आगे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको सीवी बनाना है एक प्रोफेशनल सा, सीवी का लेटर आपको यूरोपियन फॉर्मेट में, और जो लिथुआनिया की कंपनीज है जहाँ पर इस टाइम पर हायरिंग चालू है वहाँ पर आपको सेंड करना है। वहाँ पर जैसे ही आपका सीवी सिलेक्शन होगा वहाँ से आपको एक कॉन्टैक्ट पेपर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा, और साथ में वर्क परमिट मिलेगा आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर एम्बेसी में जाना, वहाँ पर आपको 140 यूरो पे करना और ये वर्क वीज़ा आपका लग जाएगा और आप आ जाओगे लिथुआनिया। तो मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पर जहाँ पर आपको जॉब अप्लाई करना, और उसी वेबसाइट से आपको मिलेगा एक जॉब ऑफर लेटर। तो अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हो तो एक प्रोफेशनल सीवी कलेक्टर आपके पास में होना चाहिए, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आपको जॉब फाइंड करने में। तो अगर आप सीवी कलेक्टर बनाना चाहते हो मेरे थ्रू, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेना और आपको अपना सीवी यहाँ पर सेंड कर देना, आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। तो मैं एक ये वाला जॉब पोर्टल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ किस तरह की जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ से स्कॉप ट्रांसलेट कर लेना इंग्लिश में ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सेल्स प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब है, और सैलरी आपको मिलेगी 2,700 यूरो से लेके 3,360 यूरो। नीचे आएंगे अकाउंटेंट की यहाँ पर जॉब है, यहाँ पर आप काम कर सकते हो, 1,400 से लेकर 1,800 यूरो आपको मिलेंगे। वेयरहाउस वर्कर की यहाँ पर जॉब निकली हुई है, और यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 1,000 यूरो से लेके 1,200 यूरो मिलेंगे आपको पर मंथली। तो आप चाहे तो वेयरहाउस वर्कर का काम कर सकते हो लिथुआनिया में। और यहाँ पर देख लीजिए जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये है जॉब पोर्टल लिथुआनियाज मोस्ट विजिटेड जॉब साइट है, नंबर वन इसको टैग दिया गया, लिथुआनिया की नंबर वन जॉब पोर्टल है और बहुत लड़कों को यहाँ से जॉब मिलती है। नीचे आएंगे सेल्स एजेंट के यहाँ पर जॉब है, सेल्स मैनेजर के लिए जॉब है। नीचे देखिए बहुत सारी जॉब्स है, वेयरहाउस वर्कर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, 1,100 यूरो तक आपको यहाँ पर मिलेगा, प्लस आपको फूड भी ये लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अलग अलग यहाँ पर जॉब्स है, पिज़्ज़ा बेकर इन कॉनूस यहाँ पर जॉब निकली हुई है, डोडो पिज़्ज़ा में यहाँ पर जॉब्स है, और यहाँ पर दोस्तों आपको ये लोग फूड भी प्रोवाइड करेंगे साथ में, और 1,000 से लेकर 1,400 यूरो आपको पर मंथ ये लोग सैलरी देने के लिए तैयार है। और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, लगभग यहाँ पर आपको 2,000 यूरो मिलेंगे पर मंथली। क्लीनर के लिए भी यहाँ पर दोस्तों जॉब्स अवेलेबल है, 1,300 से लेकर 2,100 यूरो आपको मिलेंगे पर मंथ। लॉजिस्टिक मैनेजर की जॉब है, हेल्थ क्लेम एक्सपर्ट की यहाँ पर जॉब है, और वेयरहाउस में जॉब है, इंस्टॉलर की जॉब है, और यहाँ पर और बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स अवेलेबल है। मैकडोनल्ड्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जॉब्स है, 6.45 यूरो आपको मिलेंगे 1 आवर्स के। वेटर के लिए भी यहाँ पर जॉब निकली है, ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर जॉब्स है कंपनी में, और कारपेंटर के लिए भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर जॉब्स निकली है। सैलरी भी आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हो ईयरली, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 45,000 से लेकर 50,000 यूरो आपको पर ईयरली मिलेंगे कारपेंटर की जॉब में भी। सीएनसी ऑपरेटर के लिए यहाँ पर जॉब्स निकली हुई है, 800 से लेकर 1,500 यूरो आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। उसके नीचे आप आएंगे ट्रक ड्राइवर के लिए जॉब है, 1,800 से लेकर 2,400 यूरो आपको मिलेंगे। केएफसी किचन वर्कर या दोस्तों जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर किचन असिस्टेंट या फिर किचन हेल्पर की जॉब है केएफसी में, और यहाँ पर आपको मिलेगा 5.80 से लेकर 6.40 यूरो मिलेंगे 1 घंटे काम करने के। और जितनी भी जॉब्स है दोस्तों एकदम लेटेस्ट जॉब आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिमांड है वर्कर्स, यहाँ पर वीज़ा रेशियो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पर डेफिनेटली आपको जॉब मिलने वाला, कोई भी यहाँ पर आपको डील नहीं करना। तो कुरियर बोर का भी यहाँ पर जॉब है, वेटर के लिए जॉब है, बार टेंडर के लिए भी इवन यहाँ पर जॉब्स निकला हुआ है। यहाँ पर देखिए बार टेंडर को भी 8 यूरो से लेकर 9 यूरो पर आर के हिसाब से यहाँ पर मिलने वाले, ऊपर आपको और जॉब्स दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट के लिए यहाँ पर जॉब है, 1,200 से लेकर 1,400-1,500 यूरो आपको मिलेंगे पर मंथली। और यहाँ पर देखिए
और भी बहुत सारे जॉब्स है, बारटेंडर के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है, कुक के लिए यहाँ पर जॉब्स है, अगर आप ऐसे कुक काम करना चाहो तो भी जॉब्स है, बारटेंडर के लिए यहाँ पर जॉब्स है, क्लियर के यहाँ पर जॉब्स है, सेल्समैन के लिए, स्टोर कीपर के लिए, काफी सारे यहाँ पर जॉब्स है जिनके लिए आप राइट नाउ अप्लाई कर सकते हैं। तो एक जॉब यहाँ पर मैं अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो ये वेयरहाउस वर्कर का जॉब है और यहाँ पर सैलरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, 900 से लेकर 1100 यूरो आपको मिलेगा पर मंथली मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सिर्फ सीवी इनको सेंड करना है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी पासवर्ड और लॉगिन कर लेना और यहाँ पर देखिए सेंड सीवी, ठीक है। यहाँ पर आपको योर नेम और यहाँ पर देख लीजिए मोटिवेशनल लेटर ऑप्शनल है, अगर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। अगर आप मेरे थ्रू अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर मोटिवेशनल लेटर भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और अपना सीवी यहाँ पर आपको ऐड कर देना और सीवी और कवर लेटर दोनों यहाँ पर ऐड करके इनको सेंड कर देना और बस समझ लीजिए आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर यहाँ से आपको ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाएगा और आप चले जाओगे लिथुआनिया। तो गाइज अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, मेरे थ्रू आपको जॉब अप्लाई कराना है, सीवी कल्टर बनाना है, तो इसके लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर। तीनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जल्दी से जाइए फॉलो कर लीजिए। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।